हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन ईटिंग फूड गिव यू ओपी आइटम। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो शुरू करते हैं। अरे गेम ने मुझे स्पॉन किया एक स्प्रूस बायोम में, और बाकी नॉर्मल गेम्स की तरह मैंने पहले ऊंट दौड़ना शुरू किया। फिर मैंने उस ऊंट को प्लैंक्स में कन्वर्ट किए और अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल और एक एक्स बना लिया, जो खाना ढूंढने में मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। देन वहाँ से मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा के अपना आगे का जर्नी कंटिन्यू करता रहा। रास्ते में जाते जाते मैंने बहुत सारे वुड्स कलेक्ट किए, जो आगे मुझे बहुत ही ज़्यादा काम के आएंगे। और यहाँ पे मुझे अपने पहले खाने के रूप में एक चिकन मिला, और आगे के रास्ते के लिए मैंने कुछ बेरीज भी कलेक्ट कर लिए। मेरे पहले खाने से मुझे स्ट्रेंथ 5 का पोर्शन मिला, लेकिन उसके साथ साथ मुझे हंगर इफेक्ट भी मिल गया। पहले में मेरा लक बहुत ही ख़राब चल रहा था। लेकिन मेरा दूसरा खाना खाते ही मुझे 7 इमोटल मिल गए, जो इतने भी ओपी आइटम नहीं है, लेकिन पहले के हिसाब से ठीक ही है। देन मैंने बाकी के स्वीट बेरीज हिट किए, जिससे मुझे गोल्डन कैरेट मिला। और बिलीव मी, गोल्डन कैरेट खाते ही मुझे एक ट्राइडेंट मिला, और जिसके इंचार्टमेंट देख के आप लोग शायद पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि इस ट्राइडेंट का इंचार्टमेंट था अनब्रेकिंग 10, लॉयल्टी 10, इम्पेलिंग 10 और चैनल 10। सच्ची में ये ओवर पावर्ड वेपन ही है। और इस ट्राइडेंट को पाके मैं खुशी से फूला ही था कि अगला गोल्डन कैरेट ईट करते ही मुझे मिला कुछ इलाइट्रा, वो भी अनब्रेकिंग एक्स के साथ। इतना अर्ली गेम में इलाइट्रा मेरा बहुत ही काम के आना था, लेकिन मेरा किस्मत ऐसा था कि आगे के गेम में मुझे रॉकेट से नहीं मिले। बार बार दौड़ दौड़ के हंगर बार कम करने में बहुत ही टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने डैमेज लेने के लिए एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म में बार बार चढ़ने के लिए मैंने उसके सामने स्टेयर्स भी बना लिए। और उस प्लेटफॉर्म में बार बार चढ़ के मैं बार बार डैमेज लेता रहा और ईट करता रहा। तो उसके लिए आप लोग इन्जॉय किए एक छोटा सा टाइम लैप्स। और देन मैंने अपना बेड लगा के नाइट स्किप करने के लिए सो गया, और सुबह उठकर मुझे कुछ ऐसा मिला जो मुझे एकदम बिलीव ही नहीं था। और यहाँ जैसे ही मैंने रॉ मटन ईट किया, मुझे मिल गया एंडर आइस। मतलब मुझे नेदर में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं था, मैं यहाँ पे सिर्फ खा के वहाँ जाके एंडर ड्रैगन से लड़ सकता हूँ। मुझे जितना भी सामान मिल रहा था, मैं सब सामान इस छोटे से चेस्ट में स्टोर कर रहा था। और अगेन जैसे ही मैंने और स्वीट बेरीज हिट किए, मुझे मिल गए और 4 एंडर आइस। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था मेरे लक पे। देन मैंने वो बाकी के एंडर आइस फिर से उस चेस्ट में रखे, और फिर से डैमेज लेके खाना शुरू किया, ताकि मुझे बाकी के बाकी एंडर आइस जल्दी से मिल जाए और जल्दी से मैं जाके एंडर ड्रैगन को मार सकूं। और बाकी के 5 एंडर आइस मिलने भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो मैंने जल्दी जल्दी उस चेस्ट से मेरा सब सामान उठाया और एंडर ड्रैगन मारने के लिए प्रिपेयर होने लगा। और यहाँ मैंने अपना पहला एंडर आई फेंका और अपने जर्नी स्टार्ट कर दिया।
लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे स्पॉन पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा दूर था, इसलिए वहाँ इंडर पर्ल फेंक फेंक के पहुँचने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन यहाँ जब मैंने अपना इंडर आइस फेंका तो वो गया सीधा का सीधा नीचे, मतलब मैं खड़ा था एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने डिग करना स्टार्ट किया और डिग करता रहा जब तक कि मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड के ब्रिक्स नहीं दिखा। और बिलीव मी, ये पिकैक्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, ये इंस्टेंट माइंड कर रहा था। यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर इंटर किया और पोर्टल रूम ढूंढने का ट्राई करने लगा। मैं बहुत देर से पोर्टल रूम ढूंढता रहा, लेकिन फाइनली यहाँ जाके मुझे अपना पोर्टल रूम मिल गया। और यहाँ मैंने पोर्टल को स्टार्ट करके इन डायमेंशन के अंदर चला गया। और यहाँ पे मेरे साथ ऐसा ग्लिच हुआ जिसे देख के मैं डर ही गया था। मुझे लगा मेरा इतना हार्ड वर्क सब फेल हो गया। लेकिन मैंने अपने हार्ट को कंट्रोल किया और बिल्ड करा सीधे इन आइलैंड के ऊपर। और देन मैंने वाटर बकेट की हेल्प से टावर क्लाइंब किया और एक एक करके हर एंड क्रिस्टल को फोड़ने लगा। लेकिन यहाँ पे मैं बाय मिस्टेकली टावर से गिर गया और अपने आप को संभाल के फिर से टावर क्लाइंब करना शुरू किया। लेकिन इस बार मैंने वाटर बकेट की जगह नॉर्मल ब्लॉक से बिल्ड करना शुरू किया। मैंने अपना पहला एंड क्रिस्टल हाथ से तोड़ा, लेकिन बाकी के सब एंड क्रिस्टल मैंने अपना ओपी ट्राइडेंट से फोड़ना शुरू कर दिया। और सारे एंड क्रिस्टल फोड़ने के बाद मेरे और एंडर ड्रैगन के बीच में अब कोई नहीं था। अब एंडर ड्रैगन का मौत निश्चित था और उसका शुरुआत हुआ यहाँ से। लेकिन आते ही एंडर ड्रैगन ने मुझे पहले दो डैमेज दे दिए थे और सामने का पूरा एरिया
उसके ब्रीच से कवर कर दिया था, तो मैंने उसको पीछे से अटैक किया और यहाँ पे मैंने एक के बाद एक शॉट अटैक करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मुझे दूर पे छिटक दिया, लेकिन उसने ज़्यादा दूर नहीं छिटका था इसलिए मुझे कम ही डैमेज हुआ और मैं फिर से तैयार हो गया उसको मारने के लिए। और शॉट ही करना है और इंडर ड्रैगन का कहानी खत्म। और फाइनली इंडर ड्रैगन ने फिर से पर्च किया और मैं इस बार रेडी था, लेकिन मुझे सिर्फ मारना था एक ही शॉट ही। और फाइनली इस शॉट हिट के साथ ही इंडर ड्रैगन खत्म हो गया। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।